हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला आता है आपका टॉपिक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वर्ड तो हमने पढ़ा था कि एक्सपेंस मतलब क्या होना, बिजनेस का कोई खर्चा होना। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा होता है सर? टेंशन मतलब मैं बताता हूँ आपको। Outstanding expenses are those expenses which have been incurred but not paid during the accounting period. मतलब क्या हुआ? Outstanding expense वो expense होते हैं जो कि हो तो रहे हैं बट उनको क्या किया गया अभी तक, हमने पे नहीं किया। क्या नहीं किया? पे अभी तक नहीं किया। एक्सपेंस तो कर लिया बट उसको पे करना क्या है? ड्यू है, ड्यू टू पे। अगर ड्यू टू पे होता है तो आपके लिए क्या होगा दोस्तों? वो एज अ बर्डन। बर्डन को हम किस नाम से जानते हैं अपने बिजनेस के अंदर? लायबिलिटी। यानी वो बिजनेस की क्या हो जाएगी? एक लायबिलिटी हमें पता है। लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होगी? ये होगी दोस्तों हमारी करंट लायबिलिटी। कौन सी? करंट लायबिलिटी। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप बोल सकते हो क्या होती है आपके बिजनेस की? करंट लायबिलिटी। यानी क्या करा आपने? खर्च तो कर दिया बट उसने आपने पे नहीं किया। यानी उसको कंज्यूम कर लिया आपने उसके लिए बट आपने पे अभी तक नहीं किया। टिल नाउ जब तक आप पे नहीं करते तो उस एक्सपेंस को दोस्तों एज अ आउटस्टैंडिंग यानी ड्यू टू पे बाय द फर्म टू द आउटसाइडर, यानी जो कि पे करना बाकी है जिस किसके लिए? फर्म के द्वारा किसी आउटसाइडर को, तो वो एज अ कंसिडर की जाती है आपकी करंट लायबिलिटी। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन आपको गिवन होगा कि आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो उस टाइप के क्वेश्चन की क्या ट्रीटमेंट रहेगी वो देखते हैं। यानी इसकी ट्रीटमेंट क्या रहती है? क्या कह रहा हूँ मैं? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल। क्या कर देना? सबसे पहले कैपिटल से कम कर देना। कैपिटल से क्यों कम कर देंगे दोस्तों? क्योंकि क्या हुआ, अभी तक कैश तो नहीं पे किया हमने। पे तो करेंगे बट उसको कंज्यूम कर लिया, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कम करना पड़ेगा। कैश कम नहीं कर सकते बट हमें पता है आगे वाले होने वाले टाइम पे हम क्या कर रहे होंगे? उसको पे कर रहे होंगे, इसीलिए हम पहले से अपनी कैपिटल को क्या कर देंगे? इधर उतने अमाउंट से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होती है? लायबिलिटी। जैसा कि हमें पता है ये क्या होती है आपकी करंट लायबिलिटी। यानी आप क्या कर दोगे? लायबिलिटी में कॉलम बना दोगे आउटस्टैंडिंग का और उसमें क्या कर दोगे? उस अमाउंट को ऐड कर दोगे। यानी क्या हो जाएगा? ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा होगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? दो इफेक्ट हो रही है। यानी आपने क्या कर दी? एक जगह तो माइनस कर दिया उसी चीज़ को बट दूसरी जगह क्या कर दिया? उसको शो करके उसके अमाउंट को दोनों को क्या कर दिया? कवर कर दिया। इस टाइप से क्या करोगे इसकी ट्रीटमेंट? यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब आए तो क्या कर दो आप? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल यानी कैपिटल से माइनस कर दो। सेकंड, लायबिलिटी में क्या कर दो? एक कॉलम बना के उसमें ऐड कर दो। तो ये था दोस्तों हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट में मूव करते हैं। अगला क्या कह रहा है? प्री पेड एक्सपेंसेस। प्री पेड एक्सपेंसेस जैसे नाम से पता चल रहा है, प्री और पेड। प्री मतलब क्या कर देना? पहले ही पे कर देना, पहले। और पेड यानी चुकाना, पहले ही पे कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक घर था, ये घर है मिस्टर ए का। राम था एक पर्सन, वो क्या आता है इस घर में? आता है, बोलता है कि मिस्टर ए को कि आप मेरे को ये घर रहने के लिए दे दो किराए पे एज अ रेंट। इसने क्या कर दिया राम ने? उसी टाइम 3 मंथ का क्या कर दिया? 3 मंथ का रेंट पे कर देता है ये पर्सन। किसको? मिस्टर ए को। यानी यहाँ से कैश तो चला गया राम से किसके पास? मिस्टर ए के पास। अब तब तक के लिए जो ये घर होगा 3 मंथ तक के लिए किसका होगा? राम का। यानी इसने क्या कर दिया? प्री पेड। यानी उसको कंज्यूम तो नहीं किया अभी तक बट उस चीज़ को क्या कर दिया? उस चीज़ के लिए उसने पहले ही पे कर दिया। यानी आगे वाले टाइम पीरियड यानी अब 3 मंथ के लिए वो क्या होगा? वो घर उसका रहेगा, यानी वो रूम उसका रहेगा। वो मिस्टर ए उसको हटा नहीं सकता। किसको? राम को। तो क्या होता है इसके अंदर? यानी प्री पेड कर देते हो आप, किसी का कंजम्पशन नहीं करते बट उसके लिए पहले पे कर देते हो कि एडवांस में कि आप उसको कंज्यूम करते रहोगे। यानी प्री पेड एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच हैव बीन पेड इन एडवांस। यानी वो एक्सपेंस है जो कि पे कर दिए। यानी क्या होगा? राम के लिए 3 मंथ का घर हो जाएगा। यानी 3 मंथ के लिए राम का ये घर हो जाएगा। घर होने का मतलब उसका एक रूम हो जाएगा राम का। तो वो क्या होगी? उसकी असेट। तो इसको दोस्तों किसके अंदर शो करते हैं हम? करेंट असेट। यानी प्रीपेड एक्सपेंस आप कह सकते हो क्या होती है फर्म की? करेंट असेट।
क्या होती है करंट एसेट यानी प्रीपेड एक्सपेंस, क्या होती है आपकी करंट एसेट यानी राम के लिए वो कब तक का हो जाएगा उसका करंट एसेट। इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं, क्या कर दो, सबसे पहले डिडक्ट फ्रॉम कैश, क्योंकि हमारा क्या गया, कैश गया बट उसको मैंने अभी तक कंज्यूम नहीं किया, तो मैं क्या कर दूंगा असेट में एक कॉलम बना दूंगा प्रीपेड एक्सपेंस का और वहां पर क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, जिससे क्या होगा मेरा दोनों अमाउंट स्टेबल यानी इक्वल बैलेंस कर देगा, क्योंकि एक जगह मैंने माइनस कर दिया दूसरी जगह वहां पर क्या कर दूंगा उस अमाउंट को ऐड कर दूंगा एज अ प्रीपेड एक्सपेंस का हेड बना के। तो ये था दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंस की ट्रीटमेंट, यानी क्या कर दो आप कैश में से माइनस और असेट में कॉलम बना के ऐड। अगला आता है एक्रूड इनकम। अब ये दोस्तों आप सोच रहे होंगे क्या होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बात देखते हैं क्या होती है। एक्रूड इनकम इज दैट इनकम विच हैज़ बीन अर्न, मतलब क्या हुआ एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो कि क्या हुई कमाई गई हो, ठीक है भाई इतना समझ आता है, बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब क्या आपने कमा तो ली बट आपको मिली नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये बिजनेस था एक, ये बिजनेस था रामेश का, राम था, राम ने क्या किया इसके अंडर वन मंथ क्या करा है काम करा, इसने क्या किया पूरा दिल और दिमाग से अच्छे से पूरी मेहनत से एक मंथ तक काम किया रामेश के अंदर, यानी एट द एंड एंड ऑफ द मंथ में क्या होना चाहिए था राम को, क्या पे करनी चाहिए थी रामेश को सैलरी। रामेश ने बोला कुछ दिन रुक जाओ, क्या हो जाओ कुछ दिन रुक जाओ राम को बोला, यानी वो जो इनकम थी सैलरी थी वो क्या कर ली है उसने अर्न कर ली है राम ने वो, बट उसको क्या हुई रिसीव नहीं हुई, यानी इनकम अर्न बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी इनकम कमा तो ली बट आपने मिली नहीं, यानी ये इनकम पे हक है किसका राम का हक होता है, तो वो होती दोस्तों हमारी असेट, कौन सी असेट हो जाएगी ये करंट असेट यानी एक्रूड इनकम, क्या कह सकते हो आप असेट, यानी उस पर हक है उसका, जब भी मिलेगी तब, जब तक नहीं मिलती है तब तक के लिए रामेश की वो लायबिलिटी होगी बट राम की वो क्या होगी एक्रूड इनकम यानी करंट असेट, यानी आपको समझ आया होगा कि वो इनकम होती जो आपकी कमा तो ली बट आपको रिसीव नहीं हुई अभी तक, तब तक के लिए वो एज आपकी करंट असेट कंसीडर की जाएगी। देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर। ट्रीटमेंट देखते हैं, सबसे पहले एड इन कैपिटल, क्या कर दोगे कैपिटल बढ़ेगी जब आपको मिलेगी, ठीक है क्यों करेंगे कैपिटल ऐड, कैश तो मिल नहीं रहा बट हमें पता है जब कुछ भी रिसीव होता है हमें कैश तो हम क्या करते थे कैश में ऐड करते थे और कैपिटल में, बट यहाँ तो कैश तो नहीं मिल रहा बट आगे जाके इन फ्यूचर मिलेगा, तब तक के लिए हम क्या कर देंगे उसको कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे, यानी मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी मैंने बताया ये क्या होती है आपकी असेट होती है, इसलिए आप एक्रूड इनकम का एक कॉलम बना के असेट के अंदर उसमें ऐड कर दोगे, यानी दोनों साइड क्या कर दिया ये अमाउंट बढ़ गया, यानी क्या करता है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है, यानी दो इफेक्ट हो गए। तो ये थी दोस्तों एक्रूड इनकम की ट्रीटमेंट, किस तरह से आप एक्रूड इनकम की ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। अभी इसके एक एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आता है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम कैसे क्या होती है, वो इनकम जो कि क्या हुई आपने एडवांस में रिसीव कर ली बट आपने अभी तक उसके लिए कोई सर्विस या आपने कोई भी काम नहीं किया, यानी एडवांस इनकम आर दोज इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस, आपने रिसीव तो कर ली बट आपने क्या किया उसके लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं करी किसी आउटसाइडर को, यानी ये क्या हो गई आपकी करंट लायबिलिटी, यानी आपने रिसीव तो कर ली इसलिए क्या कर दिया ऐड इन कैश, कैश बढ़ गया बट एज अ लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई क्योंकि आपने उसके लिए कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, इसलिए वो लायबिलिटी कंसिडर की जाएगी। तो ये थी ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस इनकम, यानी किस तरह से क्या करेंगे एडवांस इनकम की ट्रीटमेंट करेंगे, यानी क्या कर दूंगा मैं लायबिलिटी में एक एडवांस इनकम का कॉलम बना के उसमें अमाउंट को ऐड कर दूंगा। अब इनके देख लेते हैं प्रॉपर क्वेश्चन, किस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे, इस वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चन को 10 के 10। स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहे होंगे सारे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके प्रॉपर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, राम स्टार्टेड बिजनेस कैश विद रुपीज 1,20,000, यानी क्या हुआ है बिजनेस स्टार्ट हुआ
लिख लेते हैं, राम स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है भाई, क्या बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो क्या आया होगा बिजनेस के अंदर, कैश कितना, 1,20,000। कैपिटल भी इंक्रीज हुई होगी हमारी 1,20,000 से, लास्ट क्लास में हमने इतना देखा था। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई नहीं तो जीरो प्लस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या कह रहा है, गुड्स परचेज फॉर ₹10,000। यानी क्या कह रहा है, गुड्स परचेज किया, यानी परचेज गुड्स कितने के, 10,000 के परचेज करें तो क्या आया होगा आपके पास, गुड्स आया होगा तो आप उसको स्टॉक के अंदर कंसीडर करते हैं, हमें बताया था मैंने, प्लस जीरो। कितने का गुड्स खरीदा, 10,000 का, यानी 10,000 मेरा कैश डिडक्ट हो जाएगा। मैंने बताया था ब्रैकेट में कब यूज़ करता हूँ, जब भी हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तब क्या करेंगे हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और स्टॉक आया एक्सचेंज में 10,000 का, नो चेंज इन लाइबिलिटी एंड ऑल्सो इन कैपिटल, कोई चेंज नहीं हुआ। अब क्या बनाते थे हम, न्यू इक्वेशन बना लेंगे इसकी, टोटलिंग कर लेते हैं, देख प्लस 10,000 इक्वल्स टू जीरो प्लस 1,20,000। यानी क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है, यानी यहाँ तक तो मैंने क्या करा है, सही करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्या कह रहा है, रेंट रिसीव ₹5,000, रेंट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव, ठीक है भाई, कितना 5,000, यानी कैश में इंक्रीज हुआ होगा, प्लस स्टॉक में नो इंक्रीज, नो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, साथ के साथ आपकी कैपिटल बढ़ गई होगी 5,000 से। अब क्या बना लेंगे हम, न्यू, जैसे मैंने बताया था हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, न्यू इक्वेशन बनाते हैं, फिर न्यू इक्वेशन बना लेंगे हम और एक लाइन गैस देंगे, टोटल करते हैं 1,15,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस 1,25,000। यानी क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्या है सैलरी आउटस्टैंडिंग, कितनी है ₹2,000। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, क्या मेरा कैश डिक्रीज होगा इंक्रीज, नो, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, मेरे को पता है क्या है ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, नहीं मैंने आउटस्टैंडिंग एक कॉलम बनाया उसमें कितना डाल दिया 5,000 डाल दिया उसके अंदर मैंने, और 2,000 क्या कर दिया कैपिटल से माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्या बना लूँगा मैं, न्यू इक्वेशन, असेट में कैश में कोई चेंज नहीं इसलिए जीरो जीरो, लाइन कैच लेंगे, ये आ गया 115 प्लस 10,000 2,000 प्लस 120, यानी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, एक जगह 2,000 मैंने माइनस किया, एक जगह 2,000 प्लस कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी नाम से पता चला है, नहीं क्या करा, प्रीपेड कर दिया, यानी कैश गया होगा 1,000 क्या हो जाएगा, कैश माइनस हो जाएगा, प्लस स्टॉक में नो चेंज, लाइबिलिटी कोई चेंज नहीं, कैपिटल में नो चेंज, तो फिर कहाँ जाएगा दूसरा चेंज, मैंने बताया असेट होती है इसलिए एक कॉलम बनाएंगे, प्रीपेड प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस में 1,000। न्यू इक्वेशन बना लेंगे, नेक्स्ट न्यू इक्वेशन, कितना आ जाएगा इसका बैलेंस 1,14 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 123,000। यानी क्या आ रहा है मेरे यहाँ तक, इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे इसका, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹500, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, यानी गुड्स मेरे खराब हो गए कितने के, 500 के, तो मैं क्या कर दूंगा, कैश में नो चेंज जीरो प्लस, क्या हुआ होगा मेरा गुड्स कम हुआ होगा 500 इसलिए माइनस 500
प्रीपेड में नो चेंज, लायबिलिटी में नो चेंज, कैपिटल भी कम हुई होगी 500 से, इसलिए दोनों साइड माइनस। क्या कर लेंगे, एक न्यू इक्वेशन बना लेंगे हम, क्या आ जाएगा ये, नेक्स्ट यहाँ से 500 माइनस कर देंगे, नेक्स्ट 1000 इक्वल्स टू लायबिलिटी 2000 की हमारी, यहाँ से भी 2500 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंस आ गया न्यू इक्वेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ क्या कह रहा है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, यानी रेंट रिसीव हुआ एडवांस में, एडवांस में रिसीव हुआ तो हमारा कैश आएगा 3000, कैश हमें रिसीव हुआ प्लस नो चेंज, बट एक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी मेरी 3000 से, क्योंकि मेरे को उसको पे करना पड़ेगा प्लस ज़ीरो, सर्विस प्रोवाइड करूँगा इसलिए मैं उसको आगे के लिए एक लायबिलिटी कंसीडर कर लूँगा। न्यू क्वेश्चन बनाते हैं, ऐड करते हैं ये वाला अमाउंट, यहाँ तक मेरा क्या आ रहा है दोस्तों, इक्वल आ रहा है, अभी तक कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड इफेक्ट इक्वल लेके चला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक्रूड इनकम कितनी थी, 2000 रुपये। क्या करेंगे, एक्रूड इनकम को आपको यहाँ पर 0 + 0 + 0 प्लस एक कॉलम बनाएंगे न्यू, किसके नाम से, एक्रूड इनकम के नाम से, प्लस 0 + 0 + 0, इसलिए हम जगह छोड़ के चलेंगे, हमें पता है कुछ ना कुछ हमें लिखना है, इसलिए मैंने बड़ा बनाया है इसको थोड़ा। यहाँ पर कितना आ जाएगा अमाउंट, कितना है मेरा एक्रूड इनकम 2000, और दूसरा क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले आने वाले टाइम पे हमें रिसीव होगा, इसलिए 2000 में ऐड कर दूंगा। यहाँ लाइन खींच लेंगे फिर से, ये बन जाएगी मेरी न्यू इक्वेशन, ये आ जाएगा अमाउंट, उतार देंगे हम डायरेक्ट, प्लस ये वाला अमाउंट प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 5000 24, इसमें गलत नहीं करना अमाउंट उतारते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ, कैश सेल्स, यानी आपने क्या करा है, कैश में सेल करे, इसको ध्यान से देखेंगे कि समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यानी आपका 2000 का गुड्स आपने क्या कर दिया दोस्तों, 3000 में सेल का, यानी 1000 क्या अर्न कर लिया होगा आपने, प्रॉफिट, यानी 1000 प्रॉफिट है, तो हमें पता है इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। सबसे पहले आपका स्टॉक देखते हैं, कितने का स्टॉक माइनस होगा, 2000 का स्टॉक क्या कर दोगे आप माइनस, 3000 क्या हुए आपको, कैश एज आ रिसीव हुआ, कैश इंक्रीज करोगे, 1000 का क्या हुआ दोस्तों आपको, एज आ प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज कर देंगे, तो ये क्या करेंगे हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, इंक्रीज हो रहा होगा स्टॉक, डिक्रीज हो रहा होगा कैपिटल इंक्रीज, इसी की ट्रीटमेंट करते हैं इसके अंदर, देखते हैं। ये सबसे पहले स्टॉक माइनस करते 2000 से, माइनस कर दिया, 3000 कैश रिसीव हुआ, +0 + 0 + 0 + 1000 का प्रॉफिट अर्न किया, ये आ जाएगी मेरी न्यू इक्वेशन। ये वाला पेपर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, कैश सेल्स वाला, ध्यान रखना प्रॉफिट इंक्लूड करके। माइनस प्लस में गलती नहीं करनी इसमें, नहीं तो आपका पूरा प्रॉपर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर आपने एक में भी गड़बड़ कर दी तो। ये मेरा क्या आ गया, इक्वल आ गया दोनों साइड का। नेक्स्ट और लास्ट क्या कह रहा है आपसे, इन्वेस्ट किया है मैंने, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, यानी 10000 आपका माइनस हो जाएगा कैश से, +0 + 0 + 0 प्लस एक कॉलम बना के आपने इन्वेस्ट किया, जहाँ पर उसकी एसेट का कॉलम बना लोगे आप, वहाँ पर यहाँ पर सब में +0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ऊपर भी कर देते हैं ऐसे ही सेम, सब में करना पड़ेगा आपको +0 + 0 + 0 + 0 + 0 यहाँ पर
शेयर्स का कॉलम बना दोगे आप छोटा सा लिख के अपने कॉपी के अकॉर्डिंग, और यहाँ खींच दोगे लाइन, न्यू इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट ये आ जाएगा 110,000 रुपये, ये 7,500, ये आपका 1,000, ये आपका 2,000, ये आपका 10,000 इक्वल्स टू 5,000 प्लस 1,25,500। तो ये था दोस्तों हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉपर क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन इसमें हमने कवर कर लिए। इस टाइप से क्या कर लोगे आप दोस्तों, क्वेश्चन करोगे इसी फॉर्मेट से, और इसमें आपको ध्यान रखना है कोई भी आप गलती ना करें। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।